कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सर्वमङ्गलं मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणाय त्र्यम्बके गौरी नारायणी या देवी स्वर्गेषु शक्ति रूपेण संस्थिता Thank you.
Thank you.
सर्वगणपति महाराज की मंगलमय Yeah.
उपस्थित है भक्तजनों, माताएं थी तथा बच्चों, सन 2023 नवरात्रि माँ की पुनीत पर्व, वो माँ जो पराशक्ति परब्रह्म दिव्य स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसकी प्रकाश शक्ति उस मां की ये नवरात्रि भक्तों पर उपकार करने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों पर कृपा दया बरसाने के लिए नव रात नव दिन माँ विशेष करके भूलोक में आती है, अनंत अनंत रूप धारण करती है। इसलिए ये नवरात्रि जो है, हम सनातन धर्म अवलंबी जो मानने वाले, ये सबसे पावन कहते हैं, जो कर्म भूमि है भारत देश को कर्म भूमि कहा गया है। भारत देश में शिवरात्रि एक दिवस का होता है, रामनवमी भी एक दिवस का होता है, कृष्ण जन्माष्टमी भी एक दिवस का होता है, गणेश चतुर्थी भी ऐसे मनाते हैं, लेकिन नवरात्रि नव दिन का होता है। नवरात्रि जो है ये नव दिन विशेष मां अंबिका का पूजन है। जैसे दुर्गे माँ का नव रूप है, अलग अलग रात्रि के अलग अलग रूप कहा गया है।
आज किस देवी की विशेष पूजा है? शैलपुत्री, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंद माता कालरात्रि महागौरी सिद्धात्री इत्यादि, ये सब दिव्य शक्तियां, ये सब अलौकिक शक्तियां विभिन्न विभिन्न रूप धारण करके और इस समय इस भूमंडल में घूम रहे हैं। कहने का भाव यह है कि इस समय there's lots of positive energy, इस समय शुद्ध विचार शुद्ध आचरण, बहुत सी जो शक्तियां जो है जिसकी हम विनम्रता भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं इस समय। और हाँ, ये भक्त के लिए, भक्तों इसी शक्तियां का जाप करते जब भक्त होते हैं। इस समय असुरगण भी इस देवी की, इस समय असुरगण भी देवी की तामसिक रूप का पूजन करते हैं। तामसिक यानी जो असुर शक्ति को जागृत करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को जागृत करते हैं, नेगेटिव विचार को लेकर तांत्रिक विद्याएं तांत्रिक मंत्र द्वारा जागृत करते हैं, बल इत्यादि चढ़ाते हैं। जैसे अहिरावण पतालोक में करते थे, लेकिन भक्त जो होते हैं मां के, उनका पॉजिटिव थॉट्स होता है, पॉजिटिव एनर्जी। और हमारे तो इस मंदिर में ही मां स्वयं शक्ति स्वरूप आ गए थे और मां का इस समय भजन कीर्तन का स्मरण करना, यकीन है जितने तरह मंदिर में बैठे हैं, ये नवरात्रि के अंदर कोई भी समय आप पर नहीं, ये सब पुनीत माना गया, हर घड़ी पुनीत माना गया माँ का पूजन करने का। कभी कभी कहते हैं पंडित जी हमारे द्वार पर आकर नवरात्रि में यज्ञ कर देना, तो आप इस समय पर आना कि पंडित जी से आप पूछो कि नवरात्रि में कोई भी समय आप चाहो हनुमान जी का झंडा दे सकते हो, कोई भी समय आप हनुमान जी का झंडा दे सकते हो। वैसे तो विशेषता मंगलवार और शुक्रवार को कहा गया है कि नवरात्रि एक ऐसा समय आ जाता है तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी है। राम जी जब अयोध्या छोड़कर जाने लगे तो सीता से कहा तू चल, लक्ष्मण भी चले, भरत भी चले, शत्रुघ्न भी चले, सब जाने लगे। तो राम जी की सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी हैं, राम ने हनुमान जी को भी कहा तू भी चल, तो हनुमान जी ने कहा मैंने चलने वाला आपके साथ। राम जी कहते तुम तो मेरा साथ छोड़ना नहीं चाहते थे और अब मैं जा रहा हूं सके धाम को, तो तुम कहते तुम मेरे साथ जाने वाले नहीं हो। हाँ प्रभु, हम नहीं जाएंगे आपके साथ। तो बोले आप नहीं जाओगे तो आप कहा? बोले हम इस भूलोक में रहेंगे, हम इसी अयोध्या में निवास करेंगे, हम इसी भूलोक इसमें। बोले कारण क्यों? तो हनुमान जी ने पूछा, बोले हम आपके साथ में चलने के तैयार एक शर्त पे। बोले क्या? वैकुंठ में जा रहे हो? बोले हाँ। आप तो वहां रहोगे? बोले हाँ। क्या आपकी कथा वहां पर रहेगी? आपकी कथा क्या वहां पर होगी? तो राम जी कहे बोले नहीं, कथा तो नहीं होगी, मैं रहूंगा। लेकिन आपने तो मुझे बताया था, आपने अपने परिवासियों को क्या बताया था जब वो आपके साथ जाना चाहते थे वन में, तो आपके परिवासियों ने क्या जवाब दिया था? अयोध्या वहां बन जाता है जहां राम जी रहते हैं। अगर आपके जीवन में राम जी हैं तो अयोध्या आपका शरीर बन जाएगा स्वयं। तो वहां तो आप रहोगे, वहां पर आपकी कथा नहीं रहेगी। और मेरे लिए, और आपने कहा कि जहां पर राम की कथा होती है, जहां पर आपकी कथा होती है, आप स्वयं वहां आ जाते।
जहां पर प्रभु श्री राम जी कथा होती है तो सीताराम में समझ जाना ही, तो आप तो स्वयं वहां पर आ जाते हो कि बोले हाँ तो मैं इस मृत लोक में रहूंगा और जहां पर आप कथा होगी मैं वहां पर जाकर रहूंगा, क्योंकि जहां पर कथा होगी वहां तो आप आ जाएंगे, तो आपका भी तो दर्शन मेरा हो जाएगा, मेरा साथ साथ में कल्याण यही होगा कि आपकी कथा भी सुनेंगे और आपका दर्शन भी करेंगे। अगर बैकुंठ चलेंगे तो केवल आपका दर्शन होगा, आपकी कथा नहीं सुनते। तो राम ने पूछा कितने दिवस तक आप रहोगे, कितने दिनांक तक आप मृत्यु मेरे नगर। बोले प्रभु जी हम तब तक वास करेंगे जब तक इस भूमंडल में आपकी कथा होती रहेगी। तो आप अगर ये सोचे कि नवरात्रि में हम क्यों देवी भागवत की कथा सुनते हैं, क्योंकि तो कथा जहां होती है वहीं पर देवी और देवता का विराजमान होता है, वो भी आते हैं कथा श्रवण करने के लिए। और जब वो पॉजिटिव एनर्जी आते हैं, जब देविक शक्तियां आती है तो हमको ब्लेस करके जाती है, हम पर कृपा करके जाती है। मंदिर अपने आप, भवन अपने आप जगमगाने लगता है, शक्ति द्वारा वो अपने आप खिलता है। जगमग जले रे दिया हलवा, जगमग जले रे सुख को भी देने वाली है, दुख को भी देने वाली है, ममता की सागर है। कहते हैं सभी देवी देवताओं या अगर सभी अगर हम जो रिश्ते नाते हैं जगत में अगर उसका तुलना करें
तो सबसे ऊंचा स्थान मां का दिया गया है, सबसे ऊंचा जो स्थान है मां का दिया गया है। क्यों मां का स्थान सबसे ऊंचा दिया गया? क्योंकि अगर देखा जाए सृष्टि का सृजन करना हो तो ब्रह्मा जी करते हैं, पालन करना हो तो विष्णु जी करते हैं, संहार करना हो तो शिव जी करते हैं, लेकिन मां स्वयं अकेले करती है। जगदम्बा मां ये तीनों कार्य अपने आप करती है। माँ एक बच्चे का जन्म देती है कि नहीं देती है? तो माँ जन्म देने वाली, माँ उस बच्चे का पालनहार है कि नहीं पालनहार है, उसको पालती है कि नहीं? अब जन्म देने वाले से भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि को जन्म देते हैं, तो माँ बच्चे को जन्म देती है। विष्णु भगवान पालन करती है तो माँ पालन करती है, और शिव जी संहार करती है तो बच्चा जब बड़ा होता है, बेटी या बेटा जब बड़ा होता है, उनमें जो उनके अंदर जो विकार भरा होता है, उस विकार को दूर करने वाली कौन है? माँ। उस विकार को संहार करने वाली माँ है। माँ ही तो बताती है बच्चे आपको संसार में कैसे रहेंगे। तो माँ का स्थान ऊंचा हुआ कि नहीं? सबसे ऊंचा, क्योंकि जो कार्य शक्ति नहीं है कथा करने की, लेकिन शक्ति देती है भगवान। आप सब तो जानते हैं किस मंजिल से गुजर रहे हैं। दो पुनीत आत्माएं इस जो प्रमुख भवन के कार्य करने वाले थे, एक ही साल में बिछो हो गए। लेकिन मैं माता से प्रार्थना करता हूं कि मां आप दया करें, संसार की सभी दुखों से निवारण करके आपने उसको अपने गोद में ले लिया। ये महिला मंडल हमसे कहे थे कि हम नवरात्रि का पूजन करें, लेकिन मां आपकी लीला है। बस यही प्रार्थना है उन पुरी दिवान आत्माओं को अपनी शरणागत में रखें, अच्छी योनि प्राप्त हो। Oh,
Yeah.
भुवनेश्वरी रूप है माँ का, प्रकाश शक्ति है माँ का। नवरात्रि के अंदर कथा सुने माँ की, देवी भागवत महापुराण में माँ की अद्भुत कथाएं वर्णित किया गया और कहते हैं माँ की कथा सुनने से, देवी भागवत पुराण सुनने से, कहते हैं इसकी तुलना श्रीमद् भागवत पुराण से किया गया है। भागवत पुराण में जैसे दश स्कंद कहा गया है, दश सर्ग कहा गया है, देवी भागवत में पांच सर्ग कहा गया है 12 स्कंद द्वारा, लेकिन श्लोक बिल्कुल बराबर है दोनों। जितना श्लोक देवी भागवत महापुराण में उतने ही श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण में, केवल सर्ग का ही अंतर है। इसमें पांच सर्ग है, श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 सर्ग कहा गया। तो इस कथा को कैसे सुना जाता है, किसको सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए? कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में मायने नहीं रखते, लेकिन मायने जरूर रखते। संकादि ऋषियों ने भी यह प्रश्न कहा, सूत जी वर्णन करते हैं और 12 स्कंदों में इस देवी भागवत महापुराण को 12 स्कंदों में वर्णन करने से पहले उसके महत्व को गाया गया है। कोई भी ग्रंथ आप पढ़ना, कोई भी बुक आप पढ़ो, कोई भी चाहे स्टोरी बुक हो, साइंस फिक्शन या नॉन फिक्शन हो, कोई भी आप बुक पढ़ो, उसमें उसका प्रीफेस होता है, महात्म होता है। महात्म का अर्थ क्या है? जाने बिनु ना होए प्रतीति, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति न होए प्रीति। बिना जाने आपको प्रतीत नहीं होगा और बिना प्रतीत होते आपको प्रीत नहीं होगा। अगर आपके बगल में कोई बैठा है, ठीक है, आपके बगल में पास में कोई बैठा है तो फ्रेंडशिप कैसे बनता है? पहले एक दूसरे के बारे में जानना जरूरी है। जब एक दूसरे के बारे में जानोगे, पूछोगे भाई का नाम या बहन का नाम, जैसे भी आप पूछोगे, तो आपको पता चलेगा वो है कौन, और वहां से फ्रेंडशिप बनता है। परिचय बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर एक ग्रंथ का परिचय होना, जानना बहुत जरूरी है। क्यों हम पाठ करते हैं? महात्म उसी को कहते हैं। महात्म का अर्थ है उसका परिचय पाना। जैसे रामायण में भी रहा है, रामायण का महात्मा पहले आता है, फिर बालकांड शुरुआत होता है। ऐसे ही सूत जी वर्णन करते हैं वेद व्यास का पुत्र सूत जी कहते हैं कि इस कथा को बहुत से वक्ताओं ने कहा है, जन्मेजय भी ने कथा को सुना है, जन्मेजय को भी ये कथा सुनाया गया है। पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास जी जो
सभी ग्रंथों के रचना करने वाले हैं, निमित्त कार्य, ये निमित्त कार्य जो देवी भागवत है उसको भी वर्णित करते। तो सूत जी से जब प्रश्न किया संकालीन ऋषियों ने, तो 18,000 श्लोक, जैसे मैंने कहा ना 18,000 श्लोक देवी भागवत में, वैसे ही 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण में, तुलना एक ही बराबर है। तो सबसे पहले माटम में आता है देवी भागवत कथा में जन्मेजय, जिन्होंने जब सुना कि एक तक्षक ने उनके पिता को डस लिया, एक तक्षक ने उनके पिता राजा परीक्षित को डस लिया और उनके कारण उसका मृत्यु हुआ, तो उन्होंने सर्पों के प्रति यज्ञ करना आरंभ कर दिया कि चलो हम तब तक यज्ञ करेंगे जब तक इस मृत लोक में, जब तक इस भूमंडल में सब जितने सर्प है, सर्प है उस हवन में आकर, उस कुल में आकर अपना प्राण न त्याग दे, और सर्पों के प्रति आहुति देना आरंभ कर दिया। और ऐसे क्या हुआ कि जितने सर्प थे उस सब वो अग्नि में जलने लगे, और तब अपने कुल का रक्षा करने के लिए सर्पों की माता जो है, पिता जो है, वो पहुंचते हैं श्री नारायण जी के पास, कहते कि प्रभु रक्षा कीजिए, और तब ये को रोकना पड़ना पड़ेगा अनिवार्य। और तब नारद इत्यादि सब मिलकर आकर भगवान की अनुग्रह, भगवान की आदेश को मानते हुए आकरे और जन्मे जी को ज्ञान देती है। प्रिय बंधुजन, हम मुंह माया में बंधे रहते हैं, हम ममता की डोर में बंधे रहते हैं, ये भगवान का लीला है। भगवान हमको इस तरह से, जैसे कोई प्राणी सुबह उठता है जब माँ उठती घर में, या कोई भी स्त्री उठती है, तो रोटी बनाने के लिए आटा सानती, उसमें अनेक अनेक वस्तुएं डालते हैं और बड़े सुंदर से आटा का लोई बनाते हैं, फिर उसका बेलन करके और सुंदर सुंदर रोटी बनाकर अपना जो घर है उसका संचालन करते हैं। ऐसे ही हम प्राणी मात्र संसार में छोटी छोटी परिवार के संबंध में हम बंधे हुए, अपने अपने परिवार के अंदर हम सब बंधे हुए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम बंधे तो बंधे हैं लेकिन हमारा असली पिता, सच्चा पिता, मां है कौन, हम किनके संतान हैं, हम किस किरदार को निभाने के लिए इस मृत लोक में आए, हमारा सही कर्तव्य क्या है, हमारा सही कर्म भूमि क्या है, हम किस हेतु इस मृत लोक में आए, जीवन निर्वाह करने के लिए, सुख भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए, बस इतना ही करो खाओ, खाओ कमाओ सुतो, या कमाओ खाओ सुतो, इतने ही करने के लिए। भले अभी जैसे देखा जाए ना कि मां को क्यों ममता रूपेण कहा गया है, मां को क्यों ममता रूपेण कहा गया है, क्यों सीता अग्नि में गई, सीता अग्नि में क्यों गई, और जो लंका गई वो तो ग्रेट होती थी, जो लंका गई वो तो ग्रेट होती थी, तो सीता क्यों अग्नि में, राम जी सीता को क्यों नहीं लंका लेकर गए साथ में रावण को मारने के लिए, ये भी बात कभी सोच नहीं हो, ममता रूपेण, ममता का अर्थ यहां से निकलता है। ऐसा एक समय राम जी बैठे हैं और सीता जी के लिए वन में, गंडक वन में क्या कर रहे हैं, बैठे हैं और गजरा बना रहे हैं, कथा मैंने किसी दिन यहां पर कहा, अपने सीता के लिए राम ने गजरा बनाया और लक्ष्मण था नहीं, मां सीते के साथ में राम जी बैठे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं, राम ने सुंदर से गजरा बनाया सीता के लिए। उस समय उस चरित्र को देखकर इंद्र का पुत्र जयंत आकर और सीता के पांव में चोच मारता है और वहां से रक्त निकलता है। राम जी जब सीते के पैर से रक्त निकलता देखते हैं तो धनुष बाण तो था नहीं उस समय साथ में, तो क्या किया, एक
चीख पड़ा था उसको उठाया और छोड़ दिया जैन के पीछे कौवा पैर उधर क्या था छोड़ दिया। कहे कि ये राम चाहे तो पत्थर को सुवर्ण पारस को सुवर्ण कर दे और सुवर्ण को इस बाण से मेरा रक्षा की नारायण बताया क्या करो जहां से आए वहीं लौटकर जाओ। क्या कहा गया कि किसके पास जाए राम जी के पास जाए नहीं राम जी के पास मत जाना बोले जिसके पास से तुम आए हो वहीं लौटकर जाओ। बोले किसके पास जिसको चोच मारो उसके शरण में बैठने जाओ। बोले क्या वो हमें माफ करेगी वो बचाएगी हमने तो उनको चोच मारा हमने उनको चोट बचाया। वो तुम जाओ तो वो जगत जननी है दया रूपेण है ममता रूपेण है। और तब कागा दौड़ कर आया और मां सीता का चरण पकड़ लिया और मां सीता ने जब इंद्रपुत्र जयंत को अपने चरण में देखा तो मां के दिल में दया आ गई। राम से कहा क्या कहती है सीता इसको छोड़ दो मत मारो इसको। तो राम ने कहा नहीं इसने तेरे पैर में चोट मारा दंड देना तो अनिवार्य है। तो सीता ने कहा ठीक प्रभु थोड़ा सा दंड देकर इसको छोड़ दो इसका प्राण छोड़ दो मत मारो इसे। तो उसके एक आंख फोड़ा जिस आंख सीता के मैया के ओर उठा था उस आंख को दंडित करके छोड़ दिया। तब राम विचार करते हैं अगर इसको हम लंका लेकर जाएंगे और रावण को मारने के जब समय आ जाएगा रावण को मारेंगे इसको तो याद ही अवस्था हमें कहीं नहीं लेकिन इसको भी छोड़ दो क्योंकि जिस हेतु हम अवतार लिए हैं जिस हेतु हम अवतार लिए हैं वो कार्य तो मुझे करना है ना। तो मुझे रावण को तो मारना उसको मुक्ति देना है और मारते समय अगर सीता मैया को देखकर रावण को दया आ गया तो वो कहेगी इसको छोड़ दो फिर मुझे तो आज्ञा पालन करना पड़ेगा। इसीलिए सीता यहां से मेरा जो नर लीला है मैं इसको आरंभ करना चाहता हूं तू जागी में बस और जिसने वादा किया था रावण को मारने के लिए विधवती का रूप करके तो मैया दया रूपे माता। इसीलिए प्रिय बंधुजन हर एक ग्रंथ के आगे क्या आता है मां का नाम पढ़िए सीताराम राधे श्याम श्रीमन। तो कहने का भाव है प्रिय बंधुजन कि जो शक्ति मां है उसकी जो मातम की कथा है सुध जी वर्णन करते हैं कि जन्मे जी के यज्ञ को रोकने के लिए जब उनको ज्ञान दिया गया कि मत मारो सर्पों का यज्ञ बंद कर दो अगर तुम अपने पिता के हेतु कुछ करना चाहते हो कि उसको अच्छी योनि प्राप्त हो या जीवन में कुछ ऐसा शुभ कर्म करना चाहते हो जिसका यश गांव मृतलोक में सर्वदा के लिए रहे तो आप श्रीमद् भागवत श्रीमद् देवी भागवत पुराण की अनुष्ठान कीजिए नौ दिवसीय कथा को श्रवण कीजिए और ये अश्वमेध यज्ञ बराबर हो जाएगा आपके जीवन की उत्तरा। जन्मेजय ने प्रश्न किया क्या इस कथा को किसी पहले किसी ने सुना इस कथा का फल किसी को प्राप्त हुआ है। तब जो सत्राजित ब्राह्मण की कथा है भगवान कृष्ण द्वारपा द्वापर युग में आने की जो कथा है उस महात्म को वर्णन स्वर सबसे पहले इस देवी भागवत महापुराण की महात्म में आता है। जिस समय कारागार में वसुदेव देवकी बंद पड़े थे छह पुत्रों को कंसा उनके समक्ष मार दिया सोचो उस समय देवकी पर क्या बीता होगा प्रयोग किसी मां का एक संतान होता है किसी की दो किसी की तीन किसी की चार उसमें से अगर एक चला जाए तो मां को यह विश्वास तो है मेरे पास दो तीन और है। उस देवी के विषय में आप सोचे जिनके सामने ही कंसा ने छह पुत्रों को मार डाला कभी कभी वो बात भी आ जाता है देवकी ने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि उनको अपने छह पुत्रों का मृत्यु सामने देखना पड़ा
ऐसे पकड़ा संतान को और उठाया और सीधा दीवार पर मार दिया कंसा ने। नवजात शिशुओं को कंसा ने छह को मारा। तो देखिए कि कर्म में कहां ऐसा चूक था, वो भी भागवत ने कहा था कि देवकी को किसी ने श्राप दिया था, उनकी बहन ने उनको श्राप दिया था, दीदी ने उनको श्राप दिया था। भागवत कथा के अनुसार अदिति और दीति, तो जब सातवां पुत्र जब बलराम जी जो शेष हनुमान है गर्भ में आते हैं, तो वो गर्भ भी निकालकर आदि शक्ति लेकर जाकर रोहिणी के उदर में देती है। तो आठवां जब आता है, आठवां की जब बारी आता, स्वयं भगवान कृष्ण जब आ जाते हैं मां देवकी गर्भ में, तब उसने आदि शक्ति मां जगदम्बा का बहुत बड़ा, उस समय देवकी ने कारागार में बैठकर और मां जगदम्बा का क्या किया, उन्होंने मिन्नत मांगा, ऐसी मिन्नत मांगा कि हे मां, हे भगवती, मैंने सुना है संसार का सर्व कर्ता भर्ता आप हैं, आपकी शक्ति पराशक्ति है, आप ही संसार में जन्म देने वाली हो, आप ही पालन करने वाली, आप ही संहार करने वाली हो, आपकी शक्ति के आगे किसी और शक्ति का वास ही नहीं है, हमने सुना है। जय राधा माधव, जय राधा माधव। कौन नाम पहले आया? राधा। जय राधा माधव, जय कारागार में देवकी मां ने मिन्नत ये मांगी कि हे मां, ये मेरा जो आठवां संतान का रक्षा का भार में आप पर सौंपती है, कंसा तो निर्दयी है और अगर ये मेरा पुत्र कंसा के उत्पात से उनका जीवन दान हो गया, बच गया मेरा पुत्र, तो मां मैं अपने स्वामी वसुदेव जी के साथ आपकी नवरात्रि का भक्ति अवश्य करूंगी और नौदा परायण देवी भागवत अवश्य श्रवण करूंगी। दोनों ने संकल्प लिया उसी समय। बेटे भाई, कोई भी संकल्प जीवन में करो तो उसको छोड़ो मत, इसको पूर्ण करना बहुत जरूरी है। आज नहीं कर पाए, कल नहीं कर पाए, जब आपका आपको समय मिल जाए, जब आपकी सहूलियत बन जाए, आप करने योग बन जाए, तो करें संकल्प को पूरा अवश्य करें। कभी कभी संकल्प करके भूल जाते हैं, कभी कभी सोचते चाबी नहीं तो बाद में करेंगे, जब करने की शक्ति हो तब करें, जब करने की शक्ति ना रहे इस समय तब करोगे भाई। मेरे कहने का मतलब यह है, जब पैर में शक्ति हो, जब अपने भुजाओं में शक्ति हो, जब अपने आत्म में शक्ति हो तब करे, जब पैर लड़खड़ाने लगे, सांस फूलने लगे, हाथ हिलने लगे, दृष्टि से छा सफा दिखाता नहीं है, तो फिर उस समय कब करोगे, जब करने की योग्यता नहीं रहेगी, करने की शक्ति नहीं रहेगी, तो कब करोगे। इसीलिए किसी ने गाया है ना भजन, करो भाई जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। अगर भजन करना है भगवान के तो जवानी में करो, बुढ़ापा किसने देखा है, बड़ा बुढ़ापा बहुत दुखदायी है भाई। किसी वृद्ध सज्जन से पूछना तो आपको अपना वो शेयर करेंगे कि उसके वृद्धापन कैसे जाए, कैसे कटे, वो बताएंगे आपको।
कोई कह कह दे तो ठीक, नहीं दे तो वही बैठे हो, कोई चाह पूछ तो ठीक, नहीं तो फिर बस वही किसी के कभी गाते ना हम नए लड़ाए हैं। दुर्गा मैया आ जाना है ना, तो उस समय आप हम नए लड़ाए हैं, भोजन भैया आ जाना, कोई लाख दे दे तो दे दे, पत्थर लाकर दे दिया तो ठीक। उस समय आपको तो पत्थर से भी बहुत प्रेम, तो वही पत्थर सोचे कि जब आपकी तंदुरुस्ती था, जवानी था, उस समय हम पर बहुत कड़कड़ा रही थी, बहुत दांत पीस पीस कर हमसे बात कर, आज दांत भी नहीं रहेगी, वो दांत भी गिर गया, हमें इस काम लगे सब चला जाएगा भाई, हाथ का बल, धन का बल, पैर का बल, श्वास का बल, क्योंकि हम जब आए थे तो हमको किसी की सहारा चाहिए था कि हमको कोई उठाए, हमको कोई उठा करे, नहलाए, हमारा नार काटे, हमको हमारा ख्याल करे, फिर जब हम चलने योग्य नहीं थे, हमको सहारा था, कोई हमारी उंगली पकड़कर हमको चलाना सिखाए, इस संसार में हम चले तो चले कैसे। और फिर ऐसे ही जब बुढ़ापा आ जाएगा प्रिय बंधु जन, वो ऐसे ही बना है, हम जाएंगे वो उससे कल बुढ़ापा भी आ जाएगा, तो हमको फिर चाहिए कोई हमारा हाथ पकड़े और हमको लेकर जाए। और फिर जिस दिन मृत्यु शैया पर हम सो जाएंगे तो भी हम यही आशा करेंगे कि कोई हमको नहलाए, सपराए और चिता में लगाकर फूंक कर चलाए। यही इतनी हमारा लंबा जीवन, इतने दिस इज द लाइफ साइकिल भाई, इतने ही हमारी जीवन की दौड़ है, तो किस बात की हमें गरूर है, किस बात की हम गरूर करें जीवन में, किस बात की हम प्रतिष्ठा करें। कभी कभी हम कहते हैं फैब्रिकेशन, रोबोट फैब्रिकेशन जो आ रहा है, बने बनो की बात, एक से एक लोग हमारे धर्म पालन करने में कानून लगाते हैं, किसने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, मैं भी पढ़ना चाहता हूं वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हमारे देश को चलाने के लिए विधान बनाया गया है, धर्म भी चलाने के लिए विधान कहीं बनाया गया है तो बताओ भाई। घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो बोले वहां के भोजन नहीं करनी, नवरात्रि बैठ जाए तो जब तक हमारे घर में पूजन नहीं हो तो मां का प्रसाद नहीं खा। अरे किसने बताया तुमको, कौन अंधकार में पड़े हो भाई, ये मंदिर का मां का प्रसाद और तुम्हारे घर के प्रसाद में कोई अंतर है, यहां लक्ष्य कौन सी बने, हम तो यहां कड़वा तेल बने, यहां कड़वा तेल बने, घर में भुजवाना तेल बने, ये बात की बात आपको बताऊं, बताए तो सही बात कहेंगे, क्यों हम इसमें वैर मानते, क्यों, कब जागोगे, कब जागृत होगा हमारे अंदर, कब हमारे अंदर ज्ञान आएगा, when are we going to find and think positive, कब कहेंगे खाएंगे प्रसाद, कहीं चढ़ा वाला प्रसाद नहीं खाया तो नहीं चढ़ाओ, अब भाई मां कहती है हम केला के लस्सी पूरी चढ़ाओ, मां कहती है कभी सुना आपने कि मां दुर्गा कहे हम केला के लस्सी पूरी चढ़ाना, मां कहती है अरे पहले अपना भाव अर्पण करो, सही भाव चढ़ा तो भगवान की आपको लस्सी पूरी भी नहीं देना है, जयपर कार्दी इत्यादि अगर ना मिले तो मत करो, अरे सही भाव अपने हृदय को आप लस्सी बना दो, अपने हृदय को कार्दी नींबू का फल बना दो, अपने हृदय को आप लवांग बना दो, अपने हृदय को ढाल चढ़ा दो मां के हृदय में, बस मां वही चाहती है भाई, क्यों हम कानून, क्यों हम एक से एक अपेक्ष लगाते हैं। कल हम इस गांव में दो जगह मर गया था, दो जगह कार्य था, एक जगह छमाई का गैसलीना हम गए थे, एक जगह सलीना में गए थे, वहां भी जनता खचा का भरा, और जहां सुना छमाई वहां भी जनता खचा का भरा, वहां भी भजन भय, वहां भी भजन भय कार्य चलता रहा, इतने ज्यादा संख्या है लोगों का इस गांव में कि देखो जगह नहीं बैठने का, लेकिन मां का मंदिर आज सुना जगह नहीं, यहां जगह बहुत है, किससे हम डरते हैं भाई, कौन पंडित तुमको रोक रहा है, उस पंडित को हमारे पास लेकर आओ, हमारे पंडित जी के पास लेके आओ, लेकर आओ, हम भी चाहते हैं हम उससे जिज्ञासा करेंगे कि भाई हमको भी स्पष्टीकरण करा दो ताकि हम भी जिस अंधकार में पड़े निकल कर बाहर आ जाए। क्यों
जितने भी कानून हम लगाते हैं उतने भी ख्याल करना हमारे भावी संतान इस पूजा से और धर्म की आचरण से दूर भागेंगे। प्रिय बंधुजन, जो हमारे बच्चे हैं, जितने भी हम ज्यादा कानून करेंगे, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, फिर ऐसा समय आ गया वो कुछ नहीं करेंगे, वही बात आ जाएगा। क्यों, क्या मंदिर सुना सुना रहेगा, भरी रहेगी मधुशाला काय सुना, मंदिर काय सुना गए, क्योंकि मंदिर में इतने कानून हो गए इसलिए सुना पड़ा है। और हम गाते रमाई की चपाई में भारती स्वतंत्र सकल गुण खाणी बिनु सत्संग पावे प्राण। भक्ति जब स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र का मतलब है इंडिपेंडेंट, भक्ति किसी पर निर्भर नहीं है, कोई कानून से बंधा नहीं है भक्ति, वो इंडिपेंडेंट है, तो क्यों हम उसमें कानून लगाते, कब तक करोगे भैया। एक दिन हम भी ऐसे ठंडे ठाड़ पड़े रहेंगे, उठाएंगे ले जाकर वही गिना हुआ चिकाम लगने लगे फूल देंगे, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, बचा हुआ अस्सी भी ले जाकर गंगा में नहीं लाकर घर पे रखेंगे भाई, कुछ नहीं। यही है जीवन का सच्चाई। अनुभव भगवान का भजन ही सत्य है, माँ का भजन कीजिए। पता नहीं आने वाले वर्ष हम रहे या ना रहे, स्वास्थ्य कोई भरोसा नहीं, तो ये नवरात्रि मिला है भैया, कर लो माँ की भजन, कर लो माँ की पूजन, चले आओ मंदिर में, अभी हमारे पैर में शक्ति है, नेक्स्ट ईयर रहेंगे, शक्ति नहीं रहे तब का हो, बूढ़े छोड़े या जवान चले जा रहे हैं, है कि नहीं बात, सही बात भाई। तो जब तक है शक्ति, जब तक मां ने शक्ति दिया है, कर लो भजन भगवान, कर लो मां की दर्शन। ये नहीं कहता हूं कि मां केवल इसी भवन में बैठी है, लेकिन हां इस जिला में तो है ना, चले आओ, कहीं भागना ही नहीं है। बार बार मैंने नवरात्रि में यही बात बताया, लेकिन अब भी ऐसा मालूम होता है, अब भी ऐसा मालूम होता है, नहीं जाता है लोगों के अंदर, नहीं निकलते हैं लोग उस प्रकाश में, नहीं निकल पाते, इसलिए मैं कहता हूं सारों का मैं अपना हाथ उठा लिया, है ना, कैम के आता है मूर्ख देना चेत गुरु मेरे ब्रह्म समान, मूर्ख जो होते हैं वो अपने हृदय कभी नहीं चेतेंगे, ब्रह्मा भी अगर गुरु बनकर आ जाए समझाने के लिए सरोता। ये मैंने कह रहा हूं कि यहाँ लोग मूर्ख है होने, लेकिन बात ये कि जो ऐसे सोच रहे हैं कि अभी हम नहीं जाएंगे मंदिर, अभी हम पूजा में भाग नहीं ले सकते, ताकि हमारे घर पूजा नहीं है, कर लो एक बार पहले कर लो, पितृपक्ष में पूजा कर सकते हैं, मान लीजिए पितृदेव कौन है, स्वयं कृष्ण है, कृष्ण जी पितृ है, और कृष्ण को पाने के लिए क्या गाते हैं, राधा शक्ति बिना ना कोई श्याम दर्शन पावे, है कर लो। आशा रखता हूं, अब आशा बचा है, कुछ नहीं बचा हो, बस आशा ही बचा है और अब कुछ नहीं बचा है, कि आशा रखता हूं कि अब शायद हम सचेत हो जाए और नवरात्रि की जो मां की जो आगे कथा है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण को कलंक लगा, है कलंक लगा मां कृष्ण को, और कैसे कलंक का निवारण होता है। देखो हमारे जीवन में भी कलंक लगता है, लेकिन कलंक नहीं लगता है, कलंक भगवान ने भगवान को नहीं छोड़ा, कन्हैया को कलंक लग गया, चोरी का कलंक लग गया कि तुमने चोरी किया, सत्राजित का जो श्यामांतक मणि था उस तुमने चोरी किया, और कृष्ण जी उस मणि को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, अपने कलंक को मिटाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये बात आप जान लो भाई, जब कलंक ने भगवान को नहीं बख्शा तो हमको मानो भाई
चलिए आज की कथा को ये विराम देंगे और कल जरूर आगे लेकर से ये माँ की यहाँ पर पूजन होती है नवरात्रि की विशेष शुक्रवार को तो चलता है राम कथा की अच्छी बात आरती होती माँ की नवरात्रि में जब माँ की विशेष यहाँ पूजन होती है आपने माँ की प्रतिमा में अर्घ के देखा कि नहीं देखा किस किस ने देखा हम तो हमने देखा अर्घ माँ का अलग तेज इसमें आता है एक अलग तेज प्रतिमा में क्योंकि नवरात्रि में कहा गया माँ आती है धरती पे मैया नवरात्रि महाकाली नारायणी तुम्हें करा
महामंत्र में बहुत शक्ति है। ये नवरात्रि आप कोशिश करना, सुबह शाम जब भी मिले कोई भी कार्य करो, बस इतने सिंपल मंत्र नारायणी नारायणी जय माधुरी नारायणी। चाहे रोना, चाहे हंसना, चाहे सुख में रहना, चाहे दुख में रहना, ये गाना इतना शक्ति मिलेगा, इतना आपको सहनशीलता प्राप्त होगा, अनुभव करके देखो। ठीक है, व्यास आसन से मैं कह रहा हूं, आप अनुभव करें, कोशिश करके देखो, जागृत होता है। ठीक है, चलिए आपको जो माँ भगवती से विनय करें कि माँ आज प्रथम दिवस के संध्या पूजन इत्यादि स्थापना किए, ऐसे में माँ यज्ञ पूजन करने में हमसे कुछ भी भूला चुका हो सो माँ हमको क्षमा करना। माँ हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है, सो माँ तेरे दर पर आना मेरा काम था। माँ तेरे दर पर आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमने छोड़ दी कश्ती माँ तेरे नाम की, अब किनारा लगाना तेरा काम। मैं ऐसी भी नहीं करे कि माँ तेरा तुझको अर्पण क्या लगे। ओम नमः श्री धर्मं प्रियायनं भक्तिनं च नाथं यद पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। ॐ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज
मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, कानून नहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं पढ़ा और मुझे मिला, तो ये मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। नवरात्रि में जितनी माताएं हैं, जितनी स्त्रियां हैं, ये सब उस समय शक्ति रूपा है, ठीक है। जितने माताएं हैं, जितने स्त्रियां हैं, ये सब दुर्गा स्वरूप है नवरात्रि के अंदर। तो आप मंदिर आए सज धज कर अपने संपूर्ण जो श्रृंगार में आए, और माँ को चुनरी बहुत पसंद है। कहते हैं जो स्त्रियां होती हैं जब सर पे अपनी चुनरी रख लेते ना, तो माँ देखकर बहुत प्रसन्न रहेगी। अगर हो सके आप चुनरी ओढ़कर बैठे या साड़ी जो है अपना अपने जूड़े में बांध लें, ठीक है। ये मैं कानूनी लगा रहा हूं, कुछ पाया तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। माँ को चुनरी बहुत पसंद है, ठीक है। और इस समय नवरात्रि में याद रखे पुरुष लोग, जितने स्त्रियां हैं वो दिव्य शक्ति स्वरूप है, तो आप उनसे ट्रबल मत करना, क्योंकि वो चंद्रमुखी भी हो सकती है और ज्वालामुखी भी बन सकती है ना, तो उनका भी सम्मान करें, ठीक है। प्रसाद को भोग लगाएं। अंशांत कहा है राम कहे सुख